ये मज़ार एक आए थे आया हुआ हूँ मैं, ठीक है। और सनसेट का टाइम है और म्यूज़ियम पे हम देखते हैं कि क्या कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं लोग। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा व्यू है और काफ़ी दूर इसकी एंट्रेंस है, वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेके यहाँ पे आना पड़ता है। तो म्यूज़ियम यू वांट टू सी के म्यूज़ियम में क्या कुछ रखा है, ठीक है। तो जल्दी से हम जाएंगे, ठीक है, और दिखाएंगे आपको कि कायदे आज़म जो का मज़ार है उसके साथ एसोसिएटेड जो है मुल्हे का म्यूज़ियम, इसमें क्या कुछ चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। तो हिंदी पे भी कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो ये किसका मतलब है, लेकिन बेगम राना लियाकत है, ठीक है। मज़ार चौथे भी हम करेंगे यहाँ पे सबके लिए और म्यूज़ियम में देखेंगे, ठीक है। ये म्यूज़ियम है कायदे आज़म का, यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, बुक्स वगैरह हैं, ये बाकी की चीज़ें बहरहाल यहाँ टिकट लेके आना पड़ता है, मगर हमने कोई टिकट नहीं लिया था, ठीक है। हम ऐसे ही आ गए यहाँ पे, चले आए, तो हमसे किसी ने पूछा भी नहीं था पागल, अगर पूछते तो फिर हम जवाब देते या टिकट ही लेते, कुछ करते। मैं शायद देखते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें तो उनकी कुछ तस्वीर हैं, उनके बच्चों की, ठीक है, और उनके शोज वगैरह दूसरी किसी चीज़ें, ठीक है। बाकी यहाँ पे गॉप के ये जो स्टिक्स वगैरह बनी हुई है, खेल रही है गन्स हैं, तो इन पर क्या लिखा हुआ है स्वाट डेकोरेटिव, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ सकें। तो ये देखें यहाँ पे ये चीज़ें रखी गई हैं, एक तहरीर लिखी हुई है, ये डाइनिंग टेबल वगैरह तस्वीर अच्छे से जाएगी, ठीक है। और जिन लोगों ने ये म्यूज़ियम नहीं विज़िट किया हुआ उनके लिए हम स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं। ये जी किसकी क्या कहते हैं अपना स्किन है, शेर की अच्छी देखी, कारपेट बनाई गई हुई है, ये वाली पिक्चर अक्सर आपको देखने को मिलती होगी इंटरनेट पे, ये यहाँ से ही मुझे कॉपी की गई है। ये वही ड्रेस है जी जो कायदे आज़म पहना करते थे और अपनी स्पीचेस दिया करते थे, ठीक है। ये कैप पहनी हुई है, छतरी जिसके साए तले
कायद अजम जो है स्पीचेस किया करते थे। ड्रेस है, अच्छा ड्रेस है, डबल ड्रेस कोट है एंड हमारे पास भी है बट उसका कलर डिफरेंट है। नहीं ये लॉयर थे ना तो उनका क्या है जी ओवर कोट है जो लॉयर्स पहनते हैं ना। कायद आज़म के भाई अहमद अली जिना कभी ज़िंदगी में इनके बारे में नहीं सुना था, उनकी फोटोज लगी हुई है जिससे मालूम हुआ कि इनके एक भाई थे। वालकुम अस्सलाम कौन सा जना साहब, उनकी तस्वीर आपने नहीं देखी आज देख लीजिए। बरेस्टर बनने के बाद कायद आज़म साहब ने मुझे देखी हुई थी मोस्ट। एक और ड्रेस आ गया सेम कलर, नो डिफरेंट कलर, जवानी की पिक्स हैं उनकी। और ये उनकी पर्सनल यूज़ की गाड़ी है जी, उस दौर में उनकी गाड़ी का नंबर क्या था, ये नंबर था KAM 1327 1327। मज़े की गाड़ी है यार। और दूसरी गाड़ी एक हीरो बाकी ये म्यूजियम एंड हो गया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये कुछ बुक्स हैं और कुरान हकीम यहाँ पे रखी गई और ये मुकम्मल वाशिंग म्यूजियम। ठीक, अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे।